मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह के ड्रग्स लेने की खबर सुनकर उनके कई कोस्टार्स हैरान हैं। हाल ही कॉमेडी इंडस्ट्री की कुछ जानी मानी हस्तियों से बातचीत की जो भारती सिंह के साथ काम कर चुके हैं। इन कॉमेडियंस की माने तो भारती के नशे करने की खबर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पर बुरा असर करेगी। बातचीत के दौरान पॉपुलर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने भारती के इस केस को कॉमेडी इंडस्ट्री पर धब्बा माना। राजू ने बताया, मुझे शुरुआत में लगा कि ये एक फेक न्यूज होगी, लगा कि कोई ड्रग पेडलर पकड़ा गया होगा और जांच को डाइवर्ट करने के लिए उसने भारती और हर्ष का नाम लिया होगा। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे यकीन था कि वो कभी भी किसी तरह का गलत काम नहीं कर सकती। उसकी शादी में 3 दिन तक हमने मिलकर गोवा में पार्टी की थी, लेकिन मेरा यकीन तब टूटा जब उसने ड्रग्स लेने की बात कबूली। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे ये सब करने की क्या जरूरत है। वे आगे बताते हैं, भारती एक साधारण घर से आई हैं। उसने बहुत मेहनत करके इतना नाम कमाया था। हम तो हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे कि एक फीमेल कॉमेडियन ने हमारी इंडस्ट्री का इतना नाम रोशन किया। भारती सबकी आइडल बन गई थी, लोगों ने उसे इतना सम्मान दिया और पता नहीं वो किसके बहकावे में आ गई और गलत राह पर चली गई। ड्रग्स लेकर कॉमेडी करने की कोई जरूरत नहीं है। केस्टो मुखर्जी का उदाहरण देते हुए राजू आगे बताते हैं, केस्टो मुखर्जी ने पूरी जिंदगी शराबी का किरदार निभाया, लेकिन कभी उन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। हमारी इंडस्ट्री में कई लोगों ने संघर्ष किया और पैसा कमाया, लेकिन कभी गलत रास्ता नहीं चुना। इस घटना से सिर्फ भारती सिंह पर ही नहीं बल्कि हम सभी कॉमेडियंस के करियर पर बुरा असर पड़ेगा। अब जब हम कहीं पर परफॉर्म करेंगे तो लोग हमें शक की नज़र से देखेंगे। अगर हम नॉन स्टॉप पर परफॉर्म करेंगे तो लोगों को लगेगा हम नशा ले रहे हैं। भारती का नशा करना इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। मुझे वो दिन भी याद है जब वो मुंबई पहली बार आई थी और बहुत घबराई हुई थी। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के सेट पर मैंने उसे इंट्रोड्यूस करवाया था और स्टेज पर वो बहुत नर्वस थी। वो दिन और आज के दिन में जमीन आसमान का फर्क था। लोगों ने उसे स्टार से सुपरस्टार बनाया, महिलाओं में अपना नाम बनाया था। यकीन नहीं हो रहा है कि काम का नशा करने वाली लड़की कभी ऐसा शीघ्र नशा भी करेंगी। उसकी माँ और परिवार के दूसरे लोग बहुत ही साधारण हैं, न जाने उन पर क्या बीतती होगी। मुझे बड़ा भाई कहकर बुलाती है, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते कभी समझ ही नहीं पाया कि वो कोई गलत राह पर चल रही है। आज एक आदमी की वजह से लोग हम पर भी शक करने लगे हैं। हमारे परिवार वाले हमसे भी पूछ रहे हैं कि कहीं हम भी ऐसा कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। भारती को कई सालों से जानता हूं और सच में यकीन नहीं हो रहा कि वो नशा करती हैं। वो इतने नीचे स्तर से ऊपर आई हैं, उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी। यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है और उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई सच्चाई ना हो। हो सकता है उसे कोई फंसा रहा हो। भारती और हर्ष के नशा करने की बात से इंडस्ट्री के कई लोगों को धक्का लगा है। इसका बुरा प्रभाव जरूर पड़ेगा। उपासना सिंह, रियलिटी शोज से लेकर लाइव परफॉर्मेंस तक, भारती के साथ मैंने बहुत काम किया है। बहुत शौक हुआ ये सुनकर कि वो ड्रग्स लेने के मामले में पकड़ेगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हमारे आसपास के लोगों के बीच ऐसा भी कुछ होता है। मेरे हिसाब से कॉमेडी करना इतना मुश्किल नहीं है कि हमें ड्रग्स लेकर कॉमेडी करनी पड़े। समझ नहीं आ रहा कि भारती को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। उसने जो किया वो बहुत गलत किया। 2 दिन हो गए इस खबर को सुनकर और सच कहूँ तो अभी यकीन नहीं हो रहा है। भारती सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, इससे बड़ी शॉकिंग बात क्या हो सकती है। बहुत अजीब सा लग रहा है। मैंने उनके साथ बहुत काम किया है और कभी ऐसा अपनी आँखों से नहीं देखा। वो बहुत ही साधारण लड़की है और ना जाने कैसे वो इस दलदल में फंस गई। हम जैसे छोटे शहर के लोगों को बहुत ही भरोसे से हमारे परिवार वाले भेजते हैं और आज ये बात सुनकर वो भी शक करने लगे हैं। यकीनन बुरा असर तो पड़ा है।